कोरोना के चलते जहां आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था, वहीं अब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा, हमें पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, मौजूदा स्थिति पहले ठीक होनी चाहिए, इसके बाद हम आईपीएल की बात कर सकते हैं। पहले जीवन को सामान्य रास्ते पर आने दो। ये बात उन्होंने अपनी टीम के साथ ही लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टाग्राम पर चर्चा करते हुए कही। दरअसल पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और वहीं 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बीसीसीआई ने कोविड-19 और विदेशी खिलाड़ियों पर लगे वीजा प्रतिबंधों के कारण आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था। बोर्ड ने बयान जारी कर कहा था, हम सभी पक्ष खिलाड़ी और फैंस के स्वास्थ्य को लेकर संजीदा हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर लीग होती है तो फैंस और खिलाड़ी सुरक्षित माहौल में इसका हिस्सा बने। वहीं इसके बाद सौरभ गांगुली का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, आईपीएल को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं है। हम वहीं खड़े हैं जहां 10 दिन पहले थे। आईपीएल रद्द होते हैं तो ये पहला मौका होगा जब 2008 से शुरू हुई इस लीग का कोई सीजन नहीं होगा। 2009 में लोकसभा चुनाव के चलते आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस बार तो बात ही अलग है। तो ऐसे में कहा जा सकता है रोहित शर्मा ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।